उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट टू है, पार्ट वन मैंने पहले से अपलोड कर दिए, एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप जाके उसको देखें ताकि आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम्स ना फेस हों। ठीक है, उस वीडियो में मैंने कवर किया था कि इंटीजर्स मैंने कवर किया था, टेबल्स मैंने कहा था कि आपके बहुत यू नीड टू बी फ्लुएंट इन टेबल्स व्हाट सो एवर, इफ यू नीड योर मैथ्स टू बी गुड आपको टेबल्स आने चाहिए। आई मीन आई हैव ऑल्सो टॉट यू अ मेथड टू मेमोराइज टेबल्स इन दैट वीडियो, एंड इंटीजर्स हमने कवर किया और हमने दो तीन एग्जाम्पल वीडियो एग्जाम्पल क्वेश्चन किए। अब दिस इज ऑल्सो अ सब टॉपिक। अब एक सब टॉपिक क्या है हमारा, बेसिक फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, अ वेरी इमेंस रोल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड फ्रैक्शन है इसके तीन टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन इज लाइक एनी नंबर डिवाइडेड बाई एनी नंबर, ठीक है, इट कैन बी वट एवर एज लॉन्ग एज इट्स नॉट करेक्ट, इट डजंट गिव यू एनी वैल्यू। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तीन होती हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक प्रॉपर होती है और एक मिक्स फ्रैक्शन होती है। टूडे वी विल टॉकिंग अबाउट दीज थ्री टाइप्स, देयर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एंड वी विल डू देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब जो पहली है इम्प्रॉपर, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इजी वर्ड्स, ये इट्स नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में। फॉर इंस्टेंस वी टेक 8 इज आर डिनोमिनेटर एंड 20 इज आर न्यूमरेटर। यू कैन सी दैट 20 जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले से बड़ा है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि न्यूमरेटर कौन सा है तो आप डिनोमिनेटर याद रख सकते हैं, जो एक आसान तरीका है। डिनोमिनेटर को याद रखने का तरीका है कि डाउन से डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फिर डिनोमिनेटर अगर आपको पता होगा तो जो पीछे नंबर बच गया होगा वो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर होगा। तो आप जैसे ये देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस पर। प्रॉपर फ्रैक्शंस, नाउ वी कम टू प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर हो गए हैं, प्रॉपर, प्रॉपर से मतलब ठीक है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है जैसी बात है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर डाउन वाला, नीचे वाला। तो इसमें इस केस में उल्टा है, इम्प्रॉपर का न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 2 / 8, सॉरी माय राइटिंग इज नॉट द बेस्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन राइट नाउ सो आई एम यूजिंग दिस माउस। तो आप देख सकते हैं कि 2 8 से बड़ा है, which is, this means that this is an improper, proper fraction. Proper fraction में आप याद रखें कि हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा और improper में उसका उलट होगा। अब हम आते हैं mixed fraction पे। अच्छा, mixed fraction is a completely different thing. Related है इन दोनों से लेकिन it's completely different thing. अब इसमें आपको हमेशा एक number बाहर दिया हुआ होगा एक fraction के। Let's say we have, let's take 7 whole 1 / 2। अब मिक्स फ्रैक्शन का बोलने का तरीका भी डिफरेंट होता है। आप दूसरी फ्रैक्शंस को बोलते हैं 1 / 2 या 2 / 1 या 5 / 2 या 50 / 100। मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर एक होल नंबर फ्रैक्शन के बाहर लिखा होता है और जो अंदर फुली फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है। तो एज आई वाज सेइंग के अंदर वाला कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स से ये एग्जाम्पल हमारे पास 7 होल, जो नंबर बाहर होगा उसको होल पढ़ेंगे, 7 whole 1 / 2। तो ये 7 whole 1 / 2 एक हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ये अब 1 / 2, 2 / 1 भी हो सकता है, प्रॉपर भी होता है, इम्प्रॉपर भी होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं। इनको तीनों फ्रैक्शंस के सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक्सेप्ट इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक ही उससे होते हैं, बस मेथड। बस मेथड को क्यों कहते हैं कि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ये कुछ ऐसा लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बस का रूफ टॉप लग रहा है हमें। तो एक एक्स पॉइंट होगा और एक वाई पॉइंट होगा, ठीक है। एक्स पॉइंट में आपने हमेशा याद रखना है बायर, दिस इज आउटसाइड, यू कैन सी। इसको एग्जाम्पल ले लो, ये बस के अंदर वाई बैठा हुआ है, लेट्स टेक दिस इज एन एग्जाम्पल। ये बस के अंदर वाई बैठा हुआ है और ये बाहर बोनेट के ऊपर ना एक्स बैठा हुआ है। तो जो बाहर होगा वो हमेशा छोटा होगा और जो अंदर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। इट्स कॉमन सेंस कि अगर आपने किसी को किसी से डिवाइड करना है तो यू आर सपोज टू हैव अ स्मॉलर नंबर। सो ये मेथड है प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू मिक्स फ्रैक्शंस। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। अब नाउ द गेम इज स्टेपिंग अप। अभी हमने पीछे ये एग्जांपल ली थी, इसी को इधर दोबारा लिख लेते हैं। 7 whole 1 / 2। अब आप परेशान हो गए होंगे ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर करते करते ये क्या आ गया। यू डोंट हैव टू वरी, दिस इज एज सिंपल एज दिस। ये भी बहुत आसान तरीका है।
अच्छा तो ये अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये अब लिखा हुआ है 7 होल 1/2। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना, तो ये हो जाएगा 7 होल 1/2। ठीक है, अब बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जो बाहर वाला नंबर है ना, जो भी नंबर बाहर लिखा हुआ है, आपने उसको डिनोमिनेटर डाउन वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर याद रखने का तरीका डाउन डाउन वाले नंबर से आप कह सकते हैं। तो 7 अगेन, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप टेबल्स अपने अच्छे याद कर लें, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब 7 2 सर क्या होता है, 14। तो ये हो जाएगा 1/14। अच्छा, सो टू सॉल्व ए मिक्स फ्रैक्शन मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूँ जो आसान है। वी आर गोइंग टू उसको मेथड को छोड़ दें जो अभी करते थे, लेट्स फॉरगेट दैट, लेट्स डू अनदर वन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं बस मेथड से। ठीक है, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन इज समथिंग लाइक दिस, 7 होल 1/2। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमिनेटर है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि ये क्या यार, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर और प्रॉपर करते करते ये क्या आ गया। नॉट टू वरी, ये देखो इसको इस तरह लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो होल नंबर है ना उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे और उसको उसी तरह का वापस लिख देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 7 2s are 14 हो जाएगा, 14 को 1 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2s are हमारा 14 होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके जब तक टेबल्स अच्छे, आपके फ्लुएंट नहीं है ना आप टेबल्स में, तब तक आप मैथ्स नहीं सही तरह कर सकेंगे। तो इधर 7 2s are 14, 14 + 1 = 15, तो ये हो जाएगा अपना 15/2। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लें, आप टाइमलाइन डाल के मैं आपको समझा दूंगा एक दफा दोबारा। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं इम्प्रॉपर प्रॉपर और मिक्स सॉल्व करने के। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स ब्रेक डाउन करके, क्वेश्चन पार्ट ब्रेक डाउन करके बना लिए हैं। एक जो है वो पहला इम्प्रॉपर है, फिर प्रॉपर है और फिर अपना मिक्सड है। सॉरी, दिस इज सपोज्ड टू बी मिक्स, कट दिट आउट। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये 20/4 है। अब आप सोचने होंगे कि हमें क्या, मुझे कैसे पता चला ये इम्प्रॉपर है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हर वक्त, हमेशा, ऑल टाइम डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा रहा है और हमेशा होता है और हमेशा रहेगा। अच्छा, तो अब ये है हमारे पास 20/4। 20 जो है हमारा न्यूमिनेटर है और 4 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है। अब हमें ये पता चल गया कि ये इम्प्रॉपर है, किस तरह, जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बस मेथड यूज़ करके। मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी वैल्यू हमेशा अंदर आएगी और बड़ी वैल्यू हमेशा, सॉरी माई बैड, छोटी वैल्यू हमेशा बाहर होगी और बड़ी वैल्यू हमेशा अंदर होगी। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास छोटी वैल्यू 4 है और बड़ी वैल्यू 20 है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन, आपके टेबल्स बहुत अच्छे होने चाहिए मैथ्स को एस करने के लिए। अब मुझे तो पता चल गया डायरेक्टली 4 5 ये 20 होता है, तो ये 20 20 से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/4 का आंसर 5। नेक्स्ट 15/3, 15। अब ये सारी, ये जो पहले 4 क्वेश्चन हैं ना, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के हैं। ठीक है, ये 15/3। अब इसमें छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 छोटी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू क्या है, 15 है। बड़ी वैल्यू अंदर इनपुट करेंगे, छोटी वैल्यू बाहर इनपुट करेंगे। अब आप देखें कि 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है। अगर आपको ये मुश्किल हो रही है टेबल्स में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेबल्स मेमोराइज करें। तो अगर नहीं हो रहा तो फिर भी आप, एक और तरीका है, आप 3 के टेबल में 15 ढूंढे किधर आते हैं। 3 1s are 3, नहीं। 3 2s are 6, नहीं, ये अभी भी 15 नहीं आया। 3 3s are 9 होता है, अच्छा, वी आर गेटिंग क्लोज। 3 4s are 12 होते हैं। ठीक है,
अब आप करीब आ गए उसके, तो अब थ्री व्हाट्स आर 12, अब आपने 12 के अंदर व्हाट्स आर 15, तो आप 12 के अंदर आप 3 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि 3 5 15, तो ये 15 माइनस 15, ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर? अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको करवा दूंगा। ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 64 है, 64 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर माई राइटिंग, आई डोंट हैव अ पेन करंटली, आई एम यूजिंग अ माउस टू राइट इट, सो एवेंचुअली वी विल डू सो। अच्छा, तो ये है 64 डिवाइडेड बाय 8। अगेन आपके टेबल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, छोटी वैल्यू 8 है, बड़ी वैल्यू 64 है, बस मेथड यूज करेंगे, 64 को अंदर इनपुट करेंगे और 8 को बाहर पुट करेंगे। ठीक है, सॉरी ये 8 को हम बाहर पुट करेंगे। अब 8 के टेबल में 64 किधर आता है, 8 8 64। अगेन आपके टेबल बहुत अच्छे होने चाहिए अगर आपको मैथ एस करना है, तो ये हो जाएगा क्रॉस 0, ये 5 और ये 8। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी आर गोना डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।